हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे थायराइड की जो दवा होती है थायरॉक्सिन, उसे कैसे खाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थायराइड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप हर एक को सुनते हो कि उसे हाइपोथायरॉयडिज्म है और वो थायरॉक्सिन की एक छोटी गोली ले रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऑल्सो पुट द बेल आइकन सो दैट यू कम टू नो ऑल द लेटेस्ट वीडियोज़ फ्रॉम मी। तो जो थायरॉक्सिन की गोली होती है वो जब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन होती है जिसमें TSH यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है तब दी जाती है, तो उसको कायदे से सुबह खाली पेट लेना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उसे लेना चाहिए, और उसके एक घंटे पहले और बाद में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट टाइम है कि आप उठते से ही सबसे पहले थायरॉक्सिन की गोली ले लें, और उसके एक डेढ़ घंटे बाद ही ऑब्वियसली आप नाश्ता करेंगे, और इसके बाद जो आप TSH आपको मेज़र कराना रहता है एवरेज 1.5 से 2 महीने बाद ही आप मेज़र करवाइए, क्योंकि जो उसका नॉर्मल लेवल आएगा थायराइड की गोली शुरू करने के बाद वो एवरेज 6 to 8 weeks लग ही जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपकी डोज टाइट्रेट करेंगे, और अगर आपकी TSH लेवल एक मेंटेन हो गया नॉर्मल पर्सन में 0.5 to 4.5 mIU पर लीटर इसकी वैल्यू होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में 0.2 to 2.5 तक हम नॉर्मल लेते हैं, यानी कि पहले 6 महीने में 2.5 तक नॉर्मल और लास्ट के 3 महीने में 3 तक हम नॉर्मल TSH की वैल्यू लेते हैं। तो 0.5 to 4.5 नॉर्मल पर्सन्स में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, थायराइड की नॉर्मल वैल्यू TSH की रहती है। TSH एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म का पता लगा सकते हैं। अब आता है कि इसको हमें सुबह खाली पेट क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसका फूड हिंडर्स विद इट्स अब्जॉर्प्शन, खाने के साथ उसका थायराइड की गोली का ठीक से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसके साथ ही आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो भी थायराइड की गोली का उनके साथ अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जैसे कि प्रेग्नेंट और गर्भवती महिलाओं में अक्सर आयरन और कैल्शियम दिया जाता है। तो आपको कैल्शियम रिच फूड्स जैसे कि हमारा दूध, दही, पनीर, चीज़, बटर, इन सबको, कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स को, मिल्क को, दूध अगर आप पीते हैं तो, और थायराइड की गोली के बीच में भी आपको गैप रखना चाहिए। और तो बेस्ट होगा कि आप, और आयरन और कैल्शियम भी हम इकट्ठे नहीं दे सकते, क्योंकि आयरन की टैबलेट्स और कैल्शियम की टैबलेट्स अगर हम एक साथ लेते हैं तो वो एक दूसरे का अब्जॉर्प्शन कम हो पाता है उनका। तो बेस्ट होगा कि आप सुबह सबसे पहले अपनी थायरॉक्सिन ले लें, फिर दोपहर में खाने के 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद आप मिनिमम आयरन की टैबलेट्स लें, और रात को आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का हेक्टिक शेड्यूल की वजह से या बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो वो सुबह प्रैक्टिकली कई बार नहीं ले पाते, दे कंप्लेन कि हम सुबह खाली पेट नहीं ले पाते हैं थायरॉक्सिन को, थायराइड की गोली, तो उसके लिए आप उसे नाइट में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट नाइट ईटर्स हैं, रात में देर से खाना खाते हैं, और तब फिर आप सोने से जस्ट पहले आप उसे नहीं ले सकते। अगर आप खाना खाने अपने डिनर और थायरॉक्सिन की गोली में 3-4 घंटे का डिफरेंस रख सकते हैं तो आप इवनिंग में भी उसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि आपने 7-7:30 बजे खाना खा लिया और 11 बजे आप सोते हैं, तो उस समय आपने थायरॉक्सिन की गोली का टाइम टेबल बना लिया, तो उस समय आप खा के सो गए तो भी उसका अब्जॉर्प्शन ठीक होगा। तो ये हुएगी थायरॉक्सिन की टैबलेट किस तरह से लेनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।